ये काफी अच्छे तरह से इसका रंग रोगन किया गया है मुख्यमंत्री के आगमन के इसमें। और ये देखिए, ये काफी रंग रोगन का कार्य प्रगति पर है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस भवन को देखिए, इसकी सफाई की जा रही है। यहाँ शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध है। ये पीएचसी है क्या? एपीसी क्या हुआ? एडिशनल पीएचसी। अच्छा, एडिशनल पीएचसी। ओके ओके, वीडियो बना रहे हैं, जानकारी में दे देते हैं। तो आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, किस प्रकार से इसे रंग रोगन किया गया है। काफी चमक रहा है, मगर अंदर की स्थिति जो है, अब आपको मैं अंदर की दयनीय स्थिति दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री जी को कहाँ से क्या दिखाई देता है। ये एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर है, और ये एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर में ये स्लैब की स्थिति है। ये यहाँ का किचन दिख रहा है जैसा, उसके स्लैब की स्थिति है, जो कि बाहर से नहीं दिखेगा। अब मैं इसके अंदर जाकर, और ये देखिए, ये भी एक स्थिति है जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं बिताना चाहूँगा, एक आर्किटेक्ट होने के नाते मैं ज़्यादा देर ऐसे रिस्की जगह पे नहीं बिताना चाहूँगा। और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो इसी प्रकार से जंग लगी हुई है, जिसे बाहर से रंग रोगन कर दिया जाता है और अंदर से उसकी स्थिति ऐसी की ऐसी ही रह जाती है। देखिए, ये वर्षों पुराने, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पिछले 4-5 साल में इस खतरनाक भवन में अगर जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं। इसका ताला चाबी है आपके पास? इसका चाबी जरा खोलेंगे। लेकिन जान हथेली पे रख के काम कीजिएगा। यहाँ पर सर बैठे हुए थे हम लोग, यहाँ पर बैठे हुए थे, इतना बड़ा कान गड़ा है, देवी जी का पूरा पूरा यहाँ से पूरा लेकर के एकदम हाथ से एकदम पूरा गया, एकदम बिल्कुल हम लोग कर्मचारी है, तो किसी तरह मर के जी करके काम करना ही है सर। कर्मचारी अपने जीवन को, जान को हथेली पे रख के काम करने के लिए विवश है। और ये देखिए, यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं, मैं उनके साथ अंदर आ रहा हूँ। यहाँ की भी स्थिति ऐसी है कि ये अगर गेट आप 2-3 बार अगर जोर से खोल दें तो ये सारा आपके नीचे गिर के, और आप उसके अंदर भी दब सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए ये टाइल भी अभी लगा है क्या? अच्छा, मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब आए थे 10 साल पहले, तो मुख्यमंत्री जी 10 साल पहले आए थे, तो उस समय भी ऐसे ही हरबरी में थोड़े बहुत काम यहाँ कर दिए गए थे, ताकि मुख्यमंत्री अगर अंदर तक आना चाहें तो अंदर का दरवाजा बंद करके बाहर से अच्छी चीजें उन्हें दिखा दी जाए। मगर मैं अनुरोध करूंगा, मैं खुद भी आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना जान जोखिम पे ना डालें, कम से कम इसी कमरे में काम करें, अंदर जाकर अपने जीवन को। तो हर बार जब मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ काम कर दिया जाता है। प्रणाम बाबा। बाबा की स्थिति यहाँ सबके लाग रहा है यहाँ के? हाँ, तो कब कब काम होता है? अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो काम हो रहा है। अच्छा, वो जो खाली खाली जो क्षेत्र दिख रहा है, वहाँ मुझे लगता है पहले घर हुआ करता था गरीबों का। इसमें ये सब जो है करोड़ सब घर बनाया हुआ था, सब हरजन यहाँ का जो है ना, वो सब जो है यहाँ से वहाँ तो खाली कराया गया है। यहाँ से वहाँ से पूरा जो रोड को जो खाली कराया गया है। सरकार रही है इसकी जानकारी नहीं, मगर इतना स्पष्ट है कि हरिजनों के घर को उजाड़ के यहाँ पे मुख्यमंत्री के आगमन के लिए सारी चीजों को दिया गया। अच्छा, इनका कहना है कि उनको जमीन दे दिया गया है, तो चलिए मैं इस चीज का समर्थन करूंगा कि हरिजनों को जमीन मिला, और जमीन मिला और इन्हें यहाँ से रेलवे मेन रोड से हाईवे NH 104 से उन्हें हटा दिया गया, तो अच्छा ही किया गया, क्योंकि जब भी हाईवे के बगल में लोग रहते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का जानकारी देने के लिए, और आपके यहाँ काम होता रहे ऐसा ही हम भी चाहते हैं। ये भी एक सोलिंग है जिसमें ईंट के ऊपर इतना घास उग चुका है,
जहाँ आप जी ओडीएम घोषित कर दिया गया है जी, लेकिन तो देखिए ओडीएफ ओडीएफ का जो जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे और पीएचसी के गेट तक, ये तो आप सड़क देख रहे हैं, सड़क पे तो लोगों का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन यहाँ कहना है कि पीएचसी के गेट तक वहाँ लोग शौच करते हैं और उसके बाद इन्हें अपने पीने के लिए पानी भी सीतामढ़ी से लेकर आना पड़ता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ कल की व्यवस्था भी नहीं है, तो पीएचसी में अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पटना से हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पानी गिरवाएंगे। यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है, पीएचसी में आपके पास पानी नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कोई आपके पास यहाँ पर, अगर आप, मैं सिंपल बताता हूं कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट के बाद आएगा तो उसके घाव को धोने के लिए जो पानी की आवश्यकता होनी चाहिए वो पानी यहां पे उपलब्ध नहीं है। बाहर से आप इसको देख सकते हैं कितना रंग रोगन करके इसको चमका दिया गया है और अंदर से उसकी वास्तविक स्थिति उतनी ही खराब है जितनी मैंने आपको दिखाई है, या हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जो कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। और पीएचसी बिजली भी नहीं है, पीएचसी में कोई कनेक्शन नहीं है बिजली का। बिजली का क्या है, बिजली आज ही ये लगा है या तो मुख्यमंत्री 10 साल पहले यहाँ कह के गए थे कि बिजली लगाएंगे, बिजली था सर। अच्छा, अभी तार तो लगाया गया है। हाँ, में लगाया गया है, अभी तो इधर जा पोल गड़ा है, जैसे अभी तो लगाया नहीं किया इधर। तो देखिए पीएचसी में अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं है और यहाँ पोल लग गए हैं, यहाँ पोल से अभी आगे भी पोल लग रहे हैं, मगर बिजली के कनेक्शन का जो है। अच्छा, ये जो पुराने बिल्डिंग जो दिख रहे हैं ये कौन सा बिल्डिंग है? अच्छा, ये क्वार्टर सब था, तो आप लोग इस क्वार्टर में नहीं रहते हैं? अच्छा, गिर गया है। सुपरवाइजर है। तो ये क्वार्टर की स्थिति देखिए और बिहार में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति के लिए इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये जो क्वार्टर है वो जो पदाधिकारी हैं उनका क्वार्टर है। इस क्वार्टर के ऊपर गोबर का क्या कहा जाता है, थपड़ी, गोबर थापा जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं गांव के लोग। यहाँ सेक्स रोगी को मिलने के लिए सोमवार को जानकारी दी जा रही है, जो कि वही डॉक्टर हैं जो कि तो पीएचसी से नहीं है। कि बउआ कथी करे छा ऊपर, सांप गुजर हो तो ऊपर में फोटो आ रहा हो तोहर, मुस्कुरा दो। तो मेरे भाई का बहुत ही सही सवाल है कि जब डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे हैं और यहाँ बिजली ही नहीं है तो इंडिया डिजिटल कैसे होगी। और मुझे लगता है कि जितना 14 तारीख तक काम हो पाएगा, 14 तारीख के बाद, ये देखिए ये ऐतिहासिक सड़कें यहाँ जो हैं वहाँ खोदी जा रही हैं, ये इतिहास का एक पुराना ये भवन, ये नहीं लग रहा है कि हम अस्पताल में आए हैं, ये लग रहा है कि जैसे हम किसी पुराने खंडहर में आए हैं। कितना दिन से बन रहा है भाई जी बोला? अच्छा, ये में खाली सोलिंगे होते हैं, एक ऊपर पीसीसी ना होते हैं। ये सामने यहाँ जो सोलिंग की गई थी, इतिहास में जो पुराने बिल्डिंग के सामने में सोलिंग की गई थी, वहाँ से ईंटों को उखाड़ के सड़क बना दिया गया है, क्योंकि ये जो सोलिंग थी वो तो दिखती नहीं, तो इसलिए जो दिखने वाली चीज़ें हैं वहीं जो है लोगों का या सरकार का जहाँ नज़र जा सकता है। यहाँ देखिए नया नया बोरिंग किया गया है, इस बोरिंग की क्या आवश्यकता है यहाँ पर ये तो सरकार ही बता पाएगी, मगर ये नई नई बोरिंग है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद बिल्डिंग गिराने का भी प्रस्ताव है।